नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबर। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के मुख्यमंत्री के आदेश भी, विभागों के अवसर गंभीर हैं। इसको पोल खुलेआम देखने को मिली, जब अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन मंत्री संजय शर्मा ने पकड़ा। वही वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि अलवर शहर की तरफ से आ रहे थे, जगन्नाथ मंदिर के पास पत्थर से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली तेज गति से जाते देखा तो उन्होंने रोक कर पूछा सामग्री कहाँ ले जा रहे हैं। ट्रैक्टर चालक ने बताया यह वन विभाग की सामग्री है जो चौकी से वन विभाग कार्यालय ले जा रही है। मंत्री ने रवाना मांगी तो चालक कोई जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उन्होंने अरावली विहार थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि व्यक्ति वन विभाग के संबंधित कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करे, दोषी वन अधिकारी पर कार्मिक व कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके बाद पुलिस ने अवैध खनन का केस दर्ज कर आरोपी विष्णुपुत्र नेमी जाट निवासी नफुकर थाना मालाखेड़ा व उसके भाई जितेन जाट, योगेंद्रपुर शिवलाल निवासी बरखेड़ा थाना मालाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध खनिज से भरे 3 ट्रक ट्रॉली जब्त कर ली। सर, आज सुबह आप अलवर में आए तो दौरान आपको पत्थरों से भरे ट्रैक्टर मिले, क्या वो पूरा घटनाक्रम समझ में आया? देखिए लगातार मेरे पास ये फीडबैक आ रहा था कि वन विभाग में जो काम होते हैं, जो ठेके पे दिए जाते हैं, उस ठेकेदार द्वारा उस वन क्षेत्र से ही मट्टी उठाई जाती है, उस वन क्षेत्र से पत्थर लिया जाता है, बजरी लिया जाता है और उसका भुगतान, क्योंकि टेंडर छूट चुका होता है और भुगतान टेंडरों के नियम के तहत उसको होता है। और आज जब मैं जयपुर से अलवर आ रहा था, लगभग 3 ट्रैक्टर जगन्नाथ जी का मंदिर जो रूपबास स्थिति जहाँ मेला भरता है, बड़ी तेज गति से शहर की ओर आ रहे थे, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई और मैंने उस ट्रैक्टर को रोका। रोकने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले साहब चौकी से वन विभाग के ऑफिस ले जा रहे हैं। तो मैंने, ये पत्थर कहाँ से आए? तो बोले जी अवैध खनन का पत्थर है और उसको वन विभाग के लोगों ने पकड़ा और उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने वन विभाग के अधिकारी कहा जो हमारे साथ चल रहे हैं, तो आगे जाके देखा खड़ी थी वन विभाग की गाड़ी, उसमें एक अमीर नाम का व्यक्ति आया जो वन विभाग का कर्मचारी हो सकता है, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसने आके मुझको जब बताया कि मैंने पूछा ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, बोले साहब चौकी से आ रहे हैं और हमारा वन विभाग का ऑफिस में काम चल रहा है, उसके निमित्त हम ये पत्थर ले जा रहे हैं। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि गांव का व्यक्ति जब अपनी झोपड़ी बनाने के लिए पत्थर लेके आता है तो आप उससे रवाना मांगते हो, उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो, उसके ट्रैक्टर को बंद करते हो, तो आज आप ये कह रहे हो कि ऑफिस में काम चल रहा है तो निश्चित रूप से कोई ठेकेदारी कर रहा होगा, तो वन विभाग उस ठेकेदार को कब से सुविधा उपलब्ध कराने लग गया? साथ ही साथ जब आप पत्थर लेके जा रहे हो और वन क्षेत्र का पत्थर जा रहा है तो उसका रवाना भी कटा होगा, गलत है, निश्चित रूप से ये गलत है। और मैंने तुरंत जो मेरे साथ एस्कॉर्ट चल रही थी उनको कहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना था, मैंने इन ट्रैक्टरों को लेकर आप अरावली विहार थाने में जाए और मैंने एसएचओ साहब को कहा है इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वन विभाग डिवीजन में यहाँ पर अलवर में काफी काम ऐसे हुए हैं, जितने 4 दीवारी हुई है, जो भी कार्य हुए हैं सब में वन विभाग को पत्थर लाया गया, पत्रकारों ने खूब कवरेज छापी, लेकिन उनको साफ तौर पर वन काम में लेने के लिए वो ले सकते हैं। देखिए मैं तो आपको खुद ही बता रहा हूँ, पिछले पदभार ग्रहण करने के बाद मुझे लगातार ये फीडबैक मिल रहा था, क्योंकि वन विभाग में जो भी काम कर रहा है वो कोई ना कोई ठेकेदार के माध्यम से होता होगा, टेंडर छूटते होंगे और हमारे वन की मिट्टी, हमारे वन का पत्थर, हमारे वन की बजरी वो ठेकेदार काम में ले और उसका भुगतान उठाए, तो ये गलत है। क्या पुराना आपने अभी बताया तो आप मुझे ऐसी जानकारी दीजिए, निश्चित रूप से उनकी भी जानकारी कराएंगे और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए ताहिद किया जाएगा अधिकारियों को, और कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन का जो अभियान चला वो क्या खत्म हो गया और आगे कैसे होगा, क्योंकि अभी आम आदमी को पत्थर रोड़ी बजरी मिलने में बड़ी दिक्कत थी। निश्चित रूप से आज भी मुझे काफी फोन आए थे और जिस प्रकार की मुझे जानकारी है वो 31 जनवरी तक का अभियान था, आने वाले समय में वो अभियान बढ़ता है और मुझे लगता है कि अब वो शायद बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक जो कार्यशाला कार्य योजना थी जिसके तहत सचेत करने के लिए अवैध खनन माफिया हो तुम रुक जाओ, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्त से सख्त कार्रवाई करी और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तो लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन जिनके पास जायज खाने हैं जिसके माध्यम से बजरी हमारे मकान बनाने वालों को या पत्थर मकान बनाने को वालते थे और उसका अरवन्ना देंगे, सरकार को रॉयल्टी देंगे, पैसा देंगे, वो सब में छूट मिलनी चाहिए, और जो अवैध करेंगे, जबरन लाएंगे और जनता को लूटने का काम करेंगे, सरकारी राशि का, सरकारी क्षेत्र का दुरुपयोग करेंगे, उस पर सख्ती भी रहेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।